हेलो रतीश फ्रॉम रतीश विद चैनल। आज हम लोग दो न्यूज़ के बारे में देखने वाले हैं। एक अवेयरनेस टाइप पे रहेगा, एक इंफॉर्मेशन टाइप का रहेगा। रिसेंटली एजुकेशन पॉलिसी 2020 अपना गवर्नमेंट का तरफ से पब्लिश किया गया था। उसमें से एक पॉइंट है कि आपका दैट थ्री लैंग्वेज एक पर्सन सीखना चाहिए। उसमें से एक तो आपका मदर टंग रहेगा, एक तो इंग्लिश रहेगा, और थर्ड तो आप एक स्पेसिफिक लिस्ट है वो आप सेलेक्ट करके आप उसमें सेलेक्ट करके पढ़ सकते हो। तो इसमें चाइनीज़ का एक लैंग्वेज है वो भी इसमें इंक्लूडेड था। इसमें चाइनीज़ का लैंग्वेज है उसको गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती वो लिस्ट में से निकाल दिया, क्योंकि चाइनीज़ बहुत सारा चीज़ पे अपना बॉर्डर के ऊपर बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। उसके वजह से गवर्नमेंट ने चाइना के अगेंस्ट में बहुत कुछ चीज़ कर रहा है। उसमें से एक चीज़ ये इंफॉर्मेशन टाइप का है, आपको बताना चाहता हूँ। और एक अवेयरनेस टाइप है, ये वीडियो आपको एक कहानी का तौर में आपको बताना चाहता हूँ। एक बंदा है, उसको एक कॉल आ रहा है कि वो कॉल वाला बोल रहा है कि मैं ये जगह से ये ऑफिसियल से बात कर रहा हूँ, आपको अरेस्ट किया जाएगा, आपके ऊपर ये केस है वो केस है, ठीक है। तो ये बंदा भी डर जाता है, तो भी वो टेक्निकल पर्सन ही है, नॉलेजेबल पर्सन ही है, तो वो नंबर उठा के वो चेक कर रहा है कि ऑनलाइन पे, तो उसमें लिखा जाता है कि एक ऑफिशियल का टाइप का एक नाम दिख रहा है। मतलब उसको कंफर्म हो गया कि ये तो कुछ ओरिजिनल ऑफिशियल ही है। तो ये बंदा एकदम डर गया कि क्या करूँ। उसके बाद फिर से वो बंदे का कॉल आया कि आप रेडी हो ना, मैं अभी एक ऑफिशियल को भेजता हूँ। तो इसने इतना कुछ बात किया, उसके बाद ये बंदा तो डर गया, तो पूछता है कि मैं क्या करूँ, आपके इसमें से मुझे निकालने के लिए आप मुझे हेल्प कर सकते हो क्या, क्या करना है, मैं तैयार हूँ। तो वो बंदा बोला कि पैसा दे, ठीक है। तो ये बंदे ने भी उसके पास जो उसके पास पैसा रहेगा वो पैसा ट्रांसफ़र कर देगा बचने के लिए, उसको पता भी नहीं रहेगा कि ये कुछ स्कैम हुआ है। तो उसके बाद एक बंदा पैसा देगा, तो वो गया काम। वो ग्रुप वाले रहते हैं, एक ग्रुप ऐसे रहते हैं, वो ऐसे कॉल करके पूछते हैं, वो भी उसका कंट्री छोड़ के दूसरा आउट ऑफ कंट्री पे काम करने वाले को उसको स्पेसिफिक करके टारगेट करता है। तो इनकेस वो पैसा उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि वो ग्रुप ऑफ स्कैम बंदे लोग उसको कॉल करते हैं, बोलते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, आपसे मुझे मिलना है, आपके पास ये आपको मैं तरीका बताऊंगा इसमें से कैसे बाहर आए। तो ये बंदे को बुलाया जाता है एक जगह पे, उसको बुलाया जाता है, उसका हाथ बांध दिया जाता है, उसका पैर बांध दिया जाता है, उसका मुँह बांध दिया जाता है, तो उसको एक फ़ोटो क्लिक निकाल जाता है। तो उसके बाद ये बंदे को नॉर्मल बना देते हैं कि कुछ नहीं, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं देते, खाना पीना कुछ अच्छे तरह से मिलता है, सिर्फ वो बाहर नहीं जाता है। कैसे हम लोग कोरोना की वजह से घर पे बैठे हैं वैसे उसको रहना पड़ेगा, लेकिन उसमें फ्री है। और भी बंदे लोग वैसे इस कैंप पे अफेक्ट हुए वो भी अवेलेबल रहेंगे, उन लोग सब घूमते हैं और मज़ा करते हैं, वैसे रहता है, ये एक टाइप है। और दूसरा उसमें से क्या करते हैं ये ग्रुप वाले स्कैम बंदे लोग, उनका फैमिली मेम्बर को फ़ोटो भेज दें, आप फोटो भेज देते हैं। आप सोचिए, आपका नाम का एक फ़ोटो आपका फैमिली मेम्बर को भेजा गया है कि पैसा इतना चाहिए, तो अपना फैमिली मेम्बर तो कैसे भी पैसा बना के दे देंगे, किससे भी पूछ के या कैसे भी करके दे देंगे। ऐसे एक इंसिडेंट हुआ है, ये अब बहुत पहले दिन ही हुआ है, लेकिन वो बंदा अभी खोल के बता रहा है। ये भी एक चाइनीज़ बंदे के ऊपर ये चीज़ हुआ है, लेकिन ये चाइनीज़ बंदे के ऊपर ही हुआ है, लेकिन अपने को अवेयरनेस देना पड़ेगा। और ये स्कैम वाले हैं ना, ऐसे बहुत कुछ चीज़ पहले भी कर चुके हैं करके अभी चीज़ बाहर आ रहा है। तो ये अवेयरनेस टाइप का वीडियो है, ये लास्ट वाला पॉइंट। तो ये अवेयर कीजिए कि ऐसे कुछ कॉल आता है, एम्बेसी रहता है हर कंट्री का। अभी इंडिया से आप यूएस जाते हो तो उधर इंडिया का एम्बेसी रहेगा, उधर जाके आप पहले कंफर्म करो क्या हुआ है, आपके ऊपर कुछ भी केस रहेगा तो ऑफिशियली हैंडल कर सकते हैं। तो ये आप सबके साथ शेयर कीजिए, स्पेसिफिकली जो आउट ऑफ कंट्री में बैठा है उसको इसके बारे में पता ही नहीं है, तो उसके पास अवेयरनेस शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, बाय।